गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसे कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे, बट स्टिल जो अब हमारे रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले जैसे एट्थ है, एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसने कहा है, कैन अ फाइनाइट सेट बी ओपन, कि कोई ऐसा सेट जो फाइनाइट हो और वो ओपन हो सकता है। तो आपको देखो दिमाग में आना चाहिए कि फाइ कैसा सेट है, फाइनाइट होता है ना, ये ओपन भी होता है और ये क्लोज्ड भी होता है। तो इसने फुलफिल की कंडीशन, फाइनाइट भी है ओपन भी है, तो इसलिए ये आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट है इसी का, कैन अ फाइनाइट सेट बी क्लोज्ड। बिल्कुल यही सेम, देखो एग्जांपल, फाइनाइट भी है क्लोज्ड भी है, तो यही आंसर लिख देंगे हम इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट इसी का, कैन अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट बी ओपन, कि कोई ऐसा फाइनाइट सेट तो हो पर वो नॉन एम्प्टी हो, मतलब उसके अंदर कुछ होना चाहिए। तो अब मैं फाई नहीं ले सकती क्योंकि फाई तो कैसा होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसने इसलिए लिख दिया है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ऐसा कोई सेट नहीं होता जो नॉन एम्प्टी हो और फाइनाइट हो और ओपन भी हो, नॉट ओपन। ये हो, ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट नहीं होता जो ओपन हो। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, नहीं ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहे हैं, मतलब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इज एवरी इनफाइनाइट सेट इज ओपन। क्या ये जरूरी है हमेशा कि हर इनफाइनाइट सेट ओपन होगा? अच्छा देखो, इनफाइनाइट चाहिए। अगर मैं इस सेट की बात करूं, इनफाइनाइट है ना, क्या आप इनके बीच के नंबर गिन के बता सकते हो? 1 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर है टोटल काउंटिंग में? नहीं बता सकते, क्योंकि कितने आएंगे, इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं इनके बीच में। तो ये एक ऐसा सेट है जो इनफाइनाइट सेट है। अब मुझे चेक करना है क्या ये ओपन है या नहीं। ओपन होने के लिए मुझे क्या देखना है, कि ये अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड है या नहीं है। नंबर लाइन में बनाती हूँ मैं इसको 1 से 2। अब मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 1 भी आएगा और 2 से बिल्कुल पहले तक आएगा, ये सेट है। तो मैंने यहाँ किसी से पूछा कि भाई आपकी नेबरहुड क्या है बताओ, तो इसने कहा थोड़ा सा मेरा लेफ्ट ले लो, थोड़ा सा मेरा राइट ले लो। हमने लिया, तो जो ये पॉइंट्स आए हैं क्या ये इसके अंदर है, सेट के अंदर? आप देखो है, बिल्कुल है, ये इस पॉइंट की नेबरहुड बन गया। फिर हमने ये पॉइंट चेक किया, इसकी भी नेबरहुड ये बन रहा दिया हुआ जो मैंने लिखा है, ये भी। लेकिन जब मैंने 1 की बात करी, 1 का लेफ्ट हमारे पास नहीं है। देखो ये 1 का राइट तो है इसमें, 1 का लेफ्ट नहीं है इसमें। इसका मतलब ये तो मेरे पास है पूरा, लेकिन ये साइड नहीं है। तो मुझे 1 के लेफ्ट से दिक्कत आ गई, क्योंकि मुझे 1 में से कुछ माइनस भी तो करके देखना था ना। 1 के प्लस में दिक्कत नहीं आ रही, पर 1 के माइनस में मुझे दिक्कत आ गई है। तब हमने इसलिए क्या कह दिया, कि इसमें जो 1 लिखा हुआ है इस सेट में, इसकी नेबरहुड ये नहीं है। इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन पाया, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, पर ये जो 1 लिखा था इसके अंदर, इस पॉइंट की ये नेबरहुड नहीं बना। 1 पॉइंट इसी के अंदर था और ये इसकी नेबरहुड नहीं बना। तो इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट तो है पर ये ओपन नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल होता है, सेट ऑफ रैशनल कैसा होता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। और साथ में ये कैसा होता है, ना तो ओपन होता है, नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो
ये भी एक ऐसा है जो ओपन नहीं होता है। कल को आपसे कोई पूछे इनफाइनाइट सेट जो कि क्लोज्ड भी नहीं होता, तो यही एग्जांपल दे देना। नेक्स्ट इसने यही पूछ रखा है, फिफ्थ पार्ट है, इज एवरी इनफाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, क्या हर इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है? नहीं। इसके भी एग्जांपल दे सकते हो, यही है, इनफाइनाइट भी है और कैसा है, ओपन है। तो हर इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड हो ये जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट सेट ओपन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसने नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, इसी का सिक्स्थ पार्ट है, कैन अ सिंगलटन सेट कैन बी क्लोज्ड। सिंगलटन सेट का मतलब कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हो, कोई भी एक, मान लो 1 ही लिख दिया किसी ने, मुझे देखना है क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो क्लोज्ड का मतलब मुझे इस सेट का पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट कैसा है, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तभी तो ये क्लोज्ड आएगा ना। क्लोज्ड वो होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, ओपन। इसका कॉम्प्लीमेंट देखो क्या बनेगा, मैं रुको आपको नंबर लाइन पे थोड़ा शो कर दूँ एक बार, ये 1 लिखा हुआ है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, इसका मतलब मुझे इसको हटा के बाकी सारा चाहिए, 1 नहीं चाहिए, इधर भी पूरा चाहिए, इधर भी पूरा चाहिए। तो इस साइड क्या है मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से 1 से बिल्कुल पहले वाली टर्म, और इधर है 1 से थोड़ी आगे से लेके इन्फिनिटी तक, इन दोनों की टर्म्स हैं, तो यूनियन लिख दूँ। ये कैसा है, ओपन, ये कैसा है, ओपन, दो ओपन की यूनियन कैसी होती है, ओपन। इसका मतलब मैंने इस सिंगलटन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला, वो कैसा आ गया, ओपन। तो इसका मतलब ये सेट जो नीचे लिखा हुआ है कैसा है, ये है क्लोज्ड। तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने 1 लिया है, आपका मन करे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 9 10, कुछ भी ले सकते हो आप, तो हर सिंगलटन सेट हमेशा ओपन आएगा, और सॉरी सिंगलटन सेट क्लोज आएगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ओपन। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9th है, इसमें देखते क्या कहा है, शो दैट सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज नॉट अ क्लोज सेट एंड ऑल्सो इट इज नॉट ओपन सेट। तो अब हम जो इतनी देर से कह रहे थे कि जो हमारा रैशनल होता है ना, तो वो क्लोज होता है ना ही वो ओपन होता है, तो अब हमें उसको प्रूव करके दिखाना है कि सेट ऑफ रैशनल क्लोज क्यों नहीं होता है और वो ओपन क्यों नहीं होता है। तो लेट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल यही होता है, मैंने मान लिया कोई एक रैशनल नंबर है एक्स, अब इसकी नेबरहुड देखते हैं, क्योंकि मुझे पहले चेक करना है क्या ये जो रैशनल नंबर का सेट है ये ओपन है। ओपन का मतलब ये अपने अंदर वाले हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाए, हर पॉइंट की। तो मैं किसी एक पॉइंट को चेक कर लूं पहले कि उसकी नेबरहुड बन रही है नहीं, तो मैंने लेट किया एक्स है इसके अंदर, तो एक्स की नेबरहुड क्या आ जाएगी, एक्स माइनस अपसाइलन, एक्स प्लस अपसाइलन, ये आ जाएगी। जब मैंने रैशनल से पूछा क्या आपके ये जो पॉइंट है, एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स, तो मैंने इससे इसकी नेबरहुड पूछी, इस साइड भी थोड़ा सा, इस साइड भी, तो इसने कहा मेरे यहाँ पे नेक्स्ट ही नंबर कैसा आ जाएगा, इरेशनल, क्योंकि नंबर हमेशा देखो ऐसे बैठे होते हैं, एक रैशनल, फिर अगला इरेशनल, देन उससे नेक्स्ट होता है फिर रैशनल, फिर इरेशनल। तो इसने कहा मेरे बाद वाली ही टर्म इरेशनल है, तो हमने कहा तो गलत है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें तो रैशनल्स की बात करी थी, इरेशनल कहाँ से आ गया, हमें नेबरहुड इसी के अंदर चाहिए थी पूरी की पूरी। पर इसने कहा नहीं, मेरी नेबरहुड में तो इरेशनल भी आएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस अपसाइलन से लेके एक्स प्लस अपसाइलन, हमने नेबरहुड निकाली, बट वो नेबरहुड इज नॉट कंटेन्ड इन रैशनल, कि वो नेबरहुड रैशनल नहीं आई पूरी, देयरफोर जो रैशनल है इज नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, कि अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनाई है, देयरफोर दिस क्यू इज नॉट ओपन, ओपन तो नहीं है। अब देखते हैं क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। अगर मुझे चेक करना है क्या ये क्लोज्ड है, तो इसका मतलब मुझे चेक करना है क्या इसका कॉम्प्लीमेंट
ओपन है, देखते हैं क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। आर माइनस क्यू ही लिखते हैं ना उसको। होता क्या है, रियल में से अगर मैंने रैशनल हटा दिया ना, बच क्या जाएंगे, सारे इरैशनल्स। तो लेट कर लिया हमने। अच्छा अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए, ओपन, मतलब ये ओपन आ जाए। इसको ओपन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर के हर पॉइंट की यही नेबरहुड आएगी। बनाते हैं, इसके अंदर का कोई एक पॉइंट ले लो वाई। एक मैंने वाई लिया जो कहाँ से है, क्यू के कॉम्प्लीमेंट से, या फिर कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल है, अब मैं उसकी नेबरहुड निकालने जाती हूँ। इसकी नेबरहुड देखने गई तो इधर साइड चाहिए थोड़ी सी, इधर भी चाहिए, पर इसने कहा मैं एक इरेशनल हूँ, मुझसे नेक्स्ट ही क्या बैठा होगा, रैशनल, इस साइड भी और इस साइड भी मेरे एक रैशनल होगा। तो ये तो फिर गड़बड़ आ गई, क्यों, क्योंकि हमें तो पूरी बात सिर्फ इरेशनल की करनी थी, ये रैशनल तो गलत आ गए बीच में। तो हमने क्या कहा कि वाई माइनस एप्सिलॉन से लेके वाई प्लस एप्सिलॉन देखने गए थे नेबरहुड, पर वो पूरे की पूरी इरेशनल में नहीं है, इज नॉट कंटेन्ड इन। इरेशनल का मतलब आर माइनस क्यू में नहीं है। देयरफोर ये जो आर माइनस क्यू इरेशनल का सेट है, इज नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं है, इज नॉट ओपन। आर माइनस क्यू ओपन नहीं आया। आर माइनस क्यू था क्या, हमारे रैशनल का कॉम्प्लीमेंट। रैशनल का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आया, इसका मतलब अंदर वाला क्लोज्ड नहीं है। तो हमने एक पार्ट में दिखा दिया कि ये ओपन नहीं है, यहाँ पे देखिए ये रहा। अब हमने दिखा दिया कि ये क्लोज्ड भी नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसने क्या कहा है, शो दैट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। कि अगर मैं कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट की बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ये होता है। तो पहले लेट कर लेते कि कोई एक ऐसा सेट है, फिर उसे दिखा देंगे वो यूनियन है ओपन इंटरवल्स की। लेट कर लिया, कोई ए है, बी अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ले लिया कि इस सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट बैठा है। क्यों, क्योंकि ओपन का मतलब क्या होता है, वो अपने अंदर वाले हर पॉइंट की नेबरहुड है। अब ए कैसे बना होगा, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे ना ए के अंदर, तो जैसे ये सेट ए है तो उसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब मैं इतने पॉइंट्स तो नहीं लिख सकती, अलग 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 अलग, क्या पता कितने पॉइंट्स हैं। तो मैंने लिख दिया ऐसे ही एक्स आएंगे, उनको आप एक बार में लिख दो, जैसे हम लिखते थे ना कि एक मेरे पास सीरीज है जिसमें वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ऐसे लिखते थे। आप तो प्लस लगा देते ना बीच में, यहाँ पे हम अब एलिमेंट्स के पीछे प्लस तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाते हैं, यूनियन। इसका मतलब मैं लिखूंगी सेट ए क्या है, बहुत सारे एक्स से बना हुआ है, मतलब उनको जोड़ के, ये जोड़ने का मतलब है। और ये सारे एक्स है कहाँ पे बैठे हुए, अंदर ए के अंदर बैठे हुए एक्स है। अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ए क्या था, ओपन, ए कैसा था, ओपन था। तो इसका मतलब
इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर पॉइंट की वो नेबरहुड है, हर पॉइंट की है, तो एक्स भी तो इसी का पॉइंट है ना, तो क्या होगी, एक्स की भी नेबरहुड होगी, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन ए। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये है डेफिनेशन किसकी, नेबरहुड की। ये देखना ये क्या है, क्या ये एक इंटरवल ही है, ऐसे आप इंटरवल ही लिखते हो ना, 1 से 2, 2 से 3, ये भी क्या है एक इंटरवल, तो मैं लिख सकती हूँ ये एक इंटरवल है जिसमें एक्स बैठा है। मैंने इसी ऊपर वाली लाइन को दोबारा लिखा है, ये एक्स ऐसे कैसे लिखा, इसको लिख दिया मैंने एक इंटरवल आई है जो एक्स वाला इंटरवल है, और ये टर्म एज इट इज। देखो मैं यहाँ पे अब दोबारा साफ लिख देती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे दोबारा चाहिए हो गया ये। तो ये तो सिर्फ एक एलिमेंट की बात हुई ना, और ए के अंदर तो कितने सारे एलिमेंट थे, बहुत सारे, ये तो सिर्फ एक एक्स की बात हुई, मुझे उन सबको दिखाना है, तो मैं यूनियन कर दूँ। तो ऐसे ही अगर मैं जब यूनियन करूंगी तो यहां भी क्या आ जाएगा, सारे के सारे इंटरवल्स लिख दे, कि उनकी यूनियन कर दे, कि जितने भी इंटरवल हैं सबकी यूनियन आ जाएगी। सारे के सारे है किस में, ए में। देखो ये क्या था, ऊपर ए ही तो था, ए चला गया इसके अंदर, और ये खुद किस में है, ए में। तो देखना ये लाइन एक बार आप इतना पढ़ो पहले, और फिर आप इतना पढ़ो, तो ये तो सेम ही हो गई बात। इसका मतलब ए क्या हो गया, यूनियन ऑफ आई एक्स, कि ए क्या बन गया, यूनियन बन गया है किसकी, इंटरवल्स की। हमने लेके चले थे ए ओपन है, और हमने प्रूव कर दिया कि ए क्या है, यूनियन है इंटरवल्स की। अब अगर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फिर 11 पे आएंगे, फिर 11 देख ही लेते हैं। 11 ने क्या कहा है, शो दैट आर माइनस एन इज एन ओपन सेट। आर माइनस एन क्या है, एक ओपन सेट है। आर माइनस एन कौन सा सेट होगा, पहले तो हम एक बार नंबर लाइन बना के देखते हैं इसको। आप देखो जब भी पेपर में जाओगे ना, तो आप एक बार नंबर लाइन पे जरूर बना के देखना उस सेट को। पहले तो मैं एन लिखूँ, एन क्या होता है, 1 2 3, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, मुझे आर में से एन को माइनस करना है। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली लाइन है, इसमें से मुझे ये 1 2 3 4 5 ये नंबर हटाने हैं, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा। देखो माइनस इन्फिनिटी से चलती आई, मुझे 1 नहीं मिलेगा, ये 1 की जगह खाली मिलेगी, फिर मुझे सब मिलेगा, फिर मुझे 2 की जगह क्या मिलेगी, खाली, देन 3 नहीं मिलेगा, देन 4 नहीं मिलेगा, करते करते 5 नहीं मिलेगा, तो मुझे मिला क्या क्या, मैं ये देखना चाह रही हूँ। ये जो मुझे मिले हैं बीच बीच में इंटरवल्स, इनको देखती हूँ। तो मैं पहले लिखूँ यहाँ क्या मिला मुझे, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यहाँ मिला मुझे 1 से 2, यहाँ मिला 2 से 3, यहाँ 3 से 4, यहाँ 4 से 5, करते करते मुझे लास्ट में ऐसे ही मिल जाएंगे बहुत सारे इंटरवल्स। तो मैं अगर कहूँ इनको अब, तो आर माइनस एन क्या बन गया, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी इंटरवल्स का यूनियन। मैं लिख दूँ माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 3, यूनियन 3 से 4, अप टू सोन, ऐसे बहुत सारों का यूनियन। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम कितने भी ओपन सेट की यूनियन कर दें, वो हमेशा क्या रहेगी, ओपन। इसका मतलब देखो कि ये भी ओपन, 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 सब ओपन है, तो कितने भी ओपन सेट हो उन सब की यूनियन क्या आएगी, ओपन। तो हमने दिखा दिया आर माइनस एन क्या आ गया है, ओपन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ने कहा है, शो दैट एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट। एवरी फाइनाइट, ओके, पहले तो मेरे मन में एक ही फाइनाइट आया है, आप देखना, पहले मेरे में आया फाइ, हो सकता है फाइ हो,
या फिर हो सकता है फाइनाइट, तो हम इसको भी लिखते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसा भी होता है। दो तरह के सेट ये माइंड में ज़रूर आने चाहिए। ये कैसा है? ये तो ओपन भी होता है और ये क्लोज्ड भी होता है। और इस क्वेश्चन ने पूछा है कि हर फाइनाइट सेट क्या क्लोज्ड होता है? अगर ये फाइनाइट सेट किसी ने मन में ले आया है तो क्या ये क्लोज्ड है? बिल्कुल है, आंसर इस केस में क्लोज्ड है। अब ऐसे सेट की बात करते हैं, अगर हम फाई की बात नहीं कर रहे हैं तो कैसा सेट होगा? लेट करते हैं कोई सेट ए होगा। देखो इसमें मेरा मन था, मैंने 1 2 3 4 ले लिया, किसी और का मन होगा वो और कुछ ले लेगा, तो मैं इसलिए एक जनरल सेट लिख रही हूँ, a1 a2 up to so on an, फाइनाइट है क्योंकि लास्ट हम लिख दी। फिर हमने कहा अच्छा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे ये इंक्रीजिंग में था ना, ऐसे ये भी इंक्रीजिंग में है। अब मुझे देखना है क्या ये ओपन है या ये क्लोज्ड है, तो मुझे चेक करना है क्या ए क्लोज्ड है, तो इसका मतलब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करना है, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है? तो देखते हैं, नंबर लाइन में बनाते हैं a1 a2 a3, करते करते कहाँ तक चले जाएंगे? an तक। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट देखूँ, इसका मतलब मुझे ये नंबर हटाना है, मैं इसको रब कर दूँ, अगर आप देख पाओ, ये हट, आई गेस मैंने पूरी लाइन ही हटा दी है, एक सेकेंड में फिर से ड्रॉ कर दो। अब ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, A3 नहीं है, AN नहीं है, मतलब बीच के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है। तो अब मेरे पास है क्या क्या, मैं उसको लिखती हूँ। तो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके A1 से बिल्कुल पहले वाला पॉइंट है, फिर A1 से A2 तक के लिए है, ऐसे ही A2 से A3, करते करते AN-1 से लेके AN तक के हैं, इन सब के हैं मेरे पास पॉइंट्स। तो उनके बीच में क्या लगा दूँ? यूनियन लगा दूँ। ये देखो ये कैसा पॉइंट है, ओपन, मतलब कैसा इंटरवल है, ओपन, ये भी ओपन है, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था बिल्कुल वही है, सेम कॉन्सेप्ट। और कितने भी ओपन सेट की यूनियन कर लो, वो सारी कैसी आती है? ओपन। तो इसका मतलब अभी मैंने निकाला क्या था, मैंने निकाला था ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ गया? ओपन। इसका मतलब ए कैसा आ गया? क्लोज्ड। प्रूव हो गया। आपके माइंड में देखने फाइव जरूर आना चाहिए, एग्जाम में अगर आपने फाइव मिस कर दिया है तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि टीचर को ये चेक करना है कि आपको फाइव माइंड में है या नहीं। इसके आगे क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे।